सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्विक एंड फास्ट अपडेट की एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की डेट यानी 28 सितंबर को रिलीज हुई 3 साउथ मूवीज के हिंदी शो काउंट्स के बारे में। सो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं कौन सी फिल्म को कितनी स्क्रीन मिली है हिंदी बेल्ट में। सो आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्क एंटोनी फिल्म के बारे में। मार्क एंटोनी जो कि तमिल लैंग्वेज की साइंस फिक्शन कॉमेडी गैंगस्टर ड्रामा वाली फिल्म है, जिसके लीड रोल में हम सभी को देखने को मिलेंगे विशाल और एस.जे. सूर्या। सो ये फिल्म जो है आज से यानी 28 सितंबर से रिलीज हो चुकी, जहां पर इस मूवी को केवल हिंदी में रिलीज करवाया है और इस फिल्म को हिंदी में डिस्ट्रीब्यूट किया है रिलायंस एंटरटेनमेंट ने। और अब बात करते हैं इस मूवी के हिंदी शो काउंट्स के बारे में। सो इस मूवी के हिंदी शो काउंट्स कुछ इस तरीके के हैं: मुंबई में 8, दिल्ली में 2, अहमदाबाद बाद में 2, पुणे में 5, लखनऊ में 4, पटना में 4, गोवा में 0, जयपुर में 0, भुवनेश्वर में 0, सूरत में 6, बड़ोदरा में 0 और गांधीनगर में भी 0। बात करें दूसरी मूवी की तो दूसरी मूवी है चंद्रमुखी 2, जो कि तमिल लैंग्वेज की हॉरर थ्रिलर कॉमेडी वाली फिल्म है, जिस मूवी के लीड रोल में हम सभी को देखने को मिलेंगे राघव लॉरेंस और साथ में कंगना रनौत। और इस मूवी को भी जो है आज से यानी 28 सितंबर से रिलीज करवाया गया है, जहां पर इस मूवी को तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ा और मलयालम में रिलीज करवाया है। बात करते हैं इस मूवी के हिंदी शो काउंट्स के बारे में। सो इस मूवी को जो है हिंदी में रिलीज करवाया है गोल्डमाइंस ने, और बाकी में गोल्डमाइंस ने इस मूवी को काफी अच्छी रिलीज दिलवाई, जहां पर इस मूवी के हिंदी शो काउंट्स कुछ इस तरीके से हैं: मुंबई में 31, दिल्ली में 40, अहमदाबाद में 49, पुणे में 19, लखनऊ में 1, पटना में 2, गोवा में 1, जयपुर में 3, भुवनेश्वर में 1, सूरत में 28, बड़ोदरा में 5 और गांधीनगर में भी 5। इस मूवी को काफी अच्छे सोर्स मिले हिंदी वेल्ट में कम्पेयर टू मार्क एंटोनी। और अब बात करते हैं आज की लास्ट मूवी के बारे में। आज की लास्ट मूवी है राम पुथिनेनी स्टारिंग फिल्म स्कंदा, जो कि तेलुगु लैंग्वेज की मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म है, जिस मूवी के लीड में हम सभी को राम पुथिनेनी के साथ में देखने को मिलेंगी श्रीलीला। और इस मूवी को भी आज ही से रिलीज करवाया गया है, जहां पर इस मूवी को तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ा और मलयालम में रिलीज करवाया गया है। और इस मूवी का हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर है जी स्टूडियोस। और बात करें इस मूवी के हिंदी शो काउंट्स के बारे में। सो इस मूवी के हिंदी शो काउंट्स कुछ इस तरीके से हैं: मुंबई में 7, दिल्ली में 6, अहमदाबाद में 4, पुणे में 0, लखनऊ में 1, पटना में 1, गोवा में 0, जयपुर में 0, भुवनेश्वर में 0, सूरत में 3, बड़ोदरा में 1 और गांधीनगर में 1। और मार्क एंटोनी और चंद्रमुखी 2 से भी बेकार सोर्स इस मूवी को हिंदी में मिले हैं, और इतने बड़े सुपरस्टार की फिल्म को हिंदी में ऐसे रिलीज मिलना बड़े दुख की बात है। और तब जब इस फिल्म का एवरी कंटेंट उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ साथ बाकी डब्ड लैंग्वेज में भी स्पेशली हिंदी में भी आए और उसका हिंदी प्रमोशन इस टाइप से करवाई जाए कि उसके लीड वॉइस ओवर के साथ उसके लीड एक्टर का इंटरव्यू हो, लेकिन उसके बावजूद इसे हिंदी में इतने कम सोर्स मिले हैं और मेरे पूरे स्टेट में तो इस मूवी को एक भी सोर्स नहीं मिला है। और अगर मैं बुक माई शो पर इस मूवी के लिए चेक करता हूँ, इस मूवी को साफ साफ दिखा रहा है नो वॉच ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, आज इस मूवी का पहला दिन है, तो अभी तक तो इस मूवी को नॉर्थ में अच्छे से स्क्रीन्स नहीं मिले। देखते हैं इस मूवी के हिंदी शोज को ऑल ओवर कब तक नॉर्थ इंडिया में लगाए जाते हैं। और वैसे इन तीनों मूवीज के हिंदी शोज आपके शहर में कितने हैं और कहां कहां मिले, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं आपको स्कंदर से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट भी दे देता हूँ। फ्रेंड्स, स्कंदर मूवी से लेकर अपडेट है कि इस मूवी का पार्ट 2 भी आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके एंड क्रेडिट सीन में बताया है कि स्कंदर 2 भी हम सभी को देखने को मिलेगी। सो देखते हैं इन तीनों मूवीज में से कौन सी फिल्म हिंदी में बाजी मारती है। वैसे फ्रेंड्स, आपको किस मूवी से उम्मीद है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में किसी नई मूवी की अपडेट मुझे मिलती है, किसी मूवी की हिंदी रिलीज डेट को कंफर्म किया जाता है, तो मैं आपको आने वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे भी सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे फिर से किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।